आज हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। मैंने आपको पार्ट टू में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे और उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको दी थी, और आज हम उसी के बारे में और आगे डिस्कशन करेंगे। लेट्स बी वॉच नाउ। देखिए, एक हमारा दिया गया है, दो लाइन एक एंगल दिया गया है। इसमें मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई थी, जैसे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन सभी के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था, और इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, एक लाइन दी गई है एल और दूसरी क्या है एम। अब हमें इसमें कहा गया है एंगल वन इज इक्वल टू 2x एंड देन एंगल टू इज इक्वल टू 3x। एंगल वन इज इक्वल देन ऑफ 2x एंड एंगल थ्री इज इक्वल देन ऑफ एंगल टू इज इक्वल देन ऑफ 3x। ठीक है, हमें इसमें निकालना है एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन और एंड एंगल एट। हमें इसमें एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन, एंगल एट, ये सारे एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अब इसे ध्यान से देखेंगे सभी, कैसे निकालना है। देखिए, एंगल वन हमें दिया गया है 2x, गिवन गिवन मींस क्या है, दिया है 2x वन के बराबर है, एंगल वन के बराबर, और एंगल टू दिया है हमें 3x। ये रहा वन और ये रहा टू। अगर हम इसे देखें तो एंगल वन प्लस टू, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर एंगल। अब एंगल कितना, वन कितना है हमारा 2x है और एंगल टू है हमारा 3x। तो हम डायरेक्टली अगर देखें तो 5x इज इक्वल टू 180, तो 180 इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 5, जहाँ से हमारा x इजिली आ जाएगा 36। या तो सेकेंड स्टेप देखिए, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर इज इक्वल टू 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल टू जो है फोर के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब एंगल टू हमारा 3x, तो एंगल फोर कितना हो गया 3x। तो अब हमने यहाँ पर देखो, इसी तरह से एंगल वन जो है, एंगल वन जो है एंगल थ्री के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम देखते हैं कि एंगल थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू 180, तो थ्री हमारा कितना है 2x और फोर कितना है 3x। इसको भी ऐड करने पर उतना ही आएगा, यहाँ पर भी चाहे ये करिए चाहे आप, दोनों एक ही बात है। अब हमारा निकल क्या क्या गया, हमारा एंगल थ्री आ गया और एंगल फोर आ गया। बचा क्या, ये इतना पूरा पार्ट बचा, बचा हमारा सिर्फ फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, सॉरी फाइव सिक्स सेवन एंड एट। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल फोर, ये एंगल फोर एंगल सिक्स के बराबर है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये देखो, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एक एकांतर अंतः कोण। अगर हमारा फोर कितना आया था, हमारा फोर जो आया था, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, हमने निकाला एक्स की वैल्यू आ गई 36, कितनी आ गई 36, और वन जो है थ्री के बराबर है और टू जो है फोर के बराबर है। तो 36 का मल्टीप्लाई मैं थ्री में करूँगा तो कितना आएगा, 108 आएगा, 108 आएगा, और यही 108 एंगल सिक्स के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल फोर जो है सिक्स के बराबर, एंगल टू है फोर के बराबर, तो एंगल टू हमारा आ गया, तो हमारा एंगल फोर भी आ गया और हमारा एंगल सिक्स भी आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने बोला था एंगल टू फोर के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और फोर जो है सिक्स के बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब हम देखेंगे एंगल सिक्स और एट के बारे में, सॉरी एंगल थ्री जो है एंगल फाइव के बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल थ्री इज इक्वल देन ऑफ एंगल फाइव,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक। अब एंगल थ्री जो है वन के बराबर है, एंगल थ्री वन के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसीलिए हमारा एंगल थ्री कितना आएगा 72, और एंगल फाइव भी कितना आएगा 72, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमारा एंगल फाइव एंगल सेवन के बराबर होगा, एंगल फाइव किसके बराबर होगा, एंगल सेवन के बराबर होगा, और एंगल सिक्स एंगल एट के बराबर होगा। क्यों? VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमारा एंगल सिक्स कितना है, एंगल सिक्स हमारा है 108, तो एंगल एट हमारा कितना आ गया 108, एंगल एट कितना आ गया 108 आ गया, और एंगल फाइव जो है सेवन के बराबर है, तो एंगल फाइव कितना है हमारा, एंगल फाइव अभी निकला था ये रहा 72, तो एंगल सेवन भी कितना हो जाएगा 72। एक बार दोबारा देखेंगे, इस क्वेश्चन में दिया है एंगल वन 2x और एंगल टू 3x, हमें निकालना है एंगल फोर एंगल फाइव एंगल एंगल थ्री एंगल फोर एंगल फाइव सिक्स सेवन एंड एट। ठीक, क्लियर। हमने क्या किया, जो हमने रूल पढ़े थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इन सभी की मदद से हमने निकाल दिया। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो सिर्फ हमें जो मैंने रूल पढ़ाए थे, जो थ्योरम पढ़ाई थी, उसी के बारे में ही बताया गया। जैसे कि हम देखते हैं ये वन जो है एट के बराबर होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, और ये जो टू है हमारा सेवन के बराबर होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, और ये जो फोर है ये सिक्स के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये जो हमारा थ्री है ये फाइव के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लीनियर पेयर से मैंने टू और थ्री यानी 2x + 3x को ऐड किया तो हमारा एक्स का डाटा आ गया 36। अब हमने 2x में मल्टीप्लाई किया तो 2 में 36 72, और 3 में 36 108, तो ये हमारा 36 है 72, तो ये भी 72, ये 108 तो ये भी 108। क्लियर। अगर ये 72 तो ये भी 72, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 108 तो ये भी 108, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 108 तो ये भी 108, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये 72 तो ये भी 72, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।